Now next one, काफी interesting example है, examples के through just create करेंगे one dimensional array by following dynamic memory allocation process. मीन्स अभी तक आपने देखा था जितने भी array create किए थे, array के case में array creation process कैसा है जा? Static, because एक बार आपने कोई array create कर लिया, then array के case में limitations क्या थे? We must have size information in advance, at the time of कंपाइलेशंस. मीन्स जब भी आप किसी कोड को कंपाइल करोगे डिजाइन टाइम पर एरे का साइज अवेलेबल होना कंपलसरी था. इस केस में अगर मैंने सप्लाई किया मैक्सिमम साइज एज 100, इस केस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने क्रिएट होंगे? एग्जैक्टली 100 एलिमेंट्स. प्लस वन मोर थिंग्स, अगर इस कोड को आप वन टाइम एग्जीक्यूट करो, 1000 टाइम एग्जीक्यूट करो, एवरी टाइम इस बार बार एरे का साइज चेंज होगा, फिक्स्ड है, फिक्स्ड इन साइज. दिस इज द लिमिटेशन ऑफ एरे. सेम एरे डायनेमिकली भी क्रिएट करना पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मैलॉक फंक्शन और कैलॉक फंक्शन. जैसे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा वर्किंग ऑफ कैलॉक फंक्शंस. क्लियर? अभी करेंटली अगेन सेम केस डिस्कस कर रहा हूं यूजिंग मैलॉक. इस केस में सिंपली चेक कर सकते हो, जस्ट मैंने थ्री वेरिएबल डिक्लेरेशंस पॉइंट किए, पॉइंटर वेरिएबल पी एन और आई. क्लियर? मैंने सोर्स कोड ऑलरेडी राइट डाउन कर रखा है, जस्ट इसका डायग्राम आपको रिप्रेजेंट करूंगा. आपको अभी करेंटली कॉन्सेंट्रेट करना ओनली दैट स्टेटमेंट. इस केस में जस्ट मैलॉक के थ्रू कितने बाइट्स एलोकेट होंगे? एन मल्टीप्लाई बाई साइज ऑफ इंट. अगर आप सेम कोड 16 बिट सी कंपाइलर में कंपाइल करोगे तो इंटीजर के लिए साइज कितना डिसाइड होगा? 2 बाइट्स. प्लस एन का वैल्यू इस केस में स्टैटिक या डायनेमिक? डायनेमिक. जस्ट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ स्कैनएफ फंक्शन. मीन्स स्कैनएफ फंक्शन के केस में अगर आपने एन का वैल्यू 5 एंटर किया है, देन 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 10 बाइट्स. मीन्स इस केस में कितने एलिमेंट्स के लिए स्पेस एलोकेट हो? 5 एलिमेंट्स. जब इसको मल्टीप्लाई किससे करा हमने? साइज ऑफ इंटीजर. इस केस में एन क्या है? एन मीन्स नंबर ऑफ रिक्वायर्ड एलिमेंट्स. अगर आपको 5 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है, देन एन का वैल्यू क्या पास कर सकते हो? 5. अगर आपको एरे के अंदर आपको टोटल 100 वैल्यू स्टोर करने की रिक्वायरमेंट है, देन इस केस में एन का वैल्यू रन टाइम पर क्या पास कर सकते हो? 100. देन 100 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 200. कितने एलिमेंट्स क्रिएट होंगे इस केस में? 100 एलिमेंट्स. लेकिन बाइट्स कितने एलोकेट होंगे? जस्ट 200 बाइट्स. मीन्स फाइनली इस केस में जस्ट एरे को क्रिएट करने का पर्पज क्या था? स्टोरिंग ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट. तो इस केस में मैलॉक के थ्रू जब मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म हुआ, इसे प्रोसेस रियल में एरे प्रोसेस नहीं, लेकिन चेक करो लॉजिकली कैसा? इक्विवेलेंट टू एरे. एरे के अंदर भी एन नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर कराना पॉसिबल करेंटली. इसे ब्लॉक ऑफ बाइट्स के अंदर भी एन एलिमेंट स्टोर कराना पॉसिबल. प्लस इसको एक्सेस कैसे करेंगे? यूजिंग पॉइंटर्स. और पॉइंटर एक्सप्रेशन को जस्ट एरे के सिंटेक्स से कंपेयर करना पॉसिबल है और एग्जैक्टली मैच करना पॉसिबल. फाइनल इस केस में एरे किस टाइप का क्रिएट हो रहा है? जस्ट स्टैटिक. सपोज दैट इस प्लेस पर मैं डिक्लेरेशन टाइम पर राइट डाउन करता हूँ लाइक दैट इंट पी क्या इस केस में एरे नेम, और मैंने राइट डाउन किया 10. इस केस में आप सोर्स कोड देखकर ही बता सकते हो इस करेंटली एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स क्रिएट होने वाले हैं. एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स. लेकिन करेंट प्रोग्राम में किसी भी पर्सन के लिए बताना पॉसिबल व्हाट इज द साइज ऑफ दिस एरे? नॉट पॉसिबल, क्योंकि कंप्लीटली डिपेंड किस पर करेगा? वैल्यू ऑफ एन. क्लियर? फाइनली वन बाई वन स्टेप बाई वन से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से पहले जस्ट मैं डायग्राम एक्सप्लोर करूँ. इस प्रोग्राम के अंदर कुछ लोकल वेरिएबल्स हैं, लोकल वेरिएबल्स को एलोकेट कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ? स्टैक एरिया. इसलिए मैंने रिप्रेजेंट क्या किया? स्टैक. इस केस में एड्रेस क्या? 1006 1004 लाइक दैट. क्लियर? सेम एज जब भी मैलॉक फंक्शन के थ्रू एलोकेशन कराएं तो एलोकेशन किस फॉर्म में हुआ? इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स और बफर. इस ब्लॉक को आप नेम दे सकते हो एज अ बफर और ग्रुप ऑफ बाइट्स. देन इस केस में जस्ट इसको मैंने रिप्रेजेंट किया एज अ हीप एरिया. दिस इज द हीप एरिया. क्लियर? देन हीप एरिया के अंदर मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया सम रिजर्व्ड स्पेस. इस दिस इज द सम फ्री लोकेशंस. क्लियर? नेक्स्ट वन आपको ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, जब भी हीप मेमोरी के अंदर मेमोरी स्पेस एलोकेट होता है तो उसका जस्ट मीनिंग क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम हैश टेबल के अंदर एलोकेटेड ब्लॉक का एंट्री एंटर करे. इसलिए मैंने रिप्रेजेंट क्या किया? सिंपली हैश टेबल, जिससे आपके लिए सारे प्रोसेस कंप्लीटली समझना पॉसिबल इंक्लूडिंग फ्री. मैंने इस केस में फ्री फंक्शन को भी राइट डाउन किया है. फर्स्ट वन, जैसे इस केस में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्रिएट किया हुआ पॉइंटर वेरिएबल पी, वेरिएबल एन, वेरिएबल आई. तीनों के तीनों वेरिएबल्स कैसे लोकल क्रिएट का हूँ? इन साइड स्टैक. पॉइंटर पी, वेरिएबल एन, वेरिएबल आई. क्लियर? इनिशियली तीनों ही वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा? गार्बेज. क्योंकि तीनों का टाइप क्या है? ऑटो लोकल वेरिएबल्स. नेक्स्ट वन, जस्ट मॉनिटर में मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा एंटर एन. दिस द आउटपुट डिवाइस मॉनिटर. जस्ट डिस्प्ले क्या जाएगा? एंटर एन. एन के केस में वैल्यू एंटर किया समथिंग. एन के केस में नंबर ऑफ बाइट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स. एन वी आर लॉजिकली कंसिडरिंग एज नंबर ऑफ बाइट्स, क्योंकि उस केस में मल्टीप्लिकेशन किस हो रहा? साइज ऑफ रिक्वायर्ड एलिमेंट्स. क्लियर? उस केस में अगर सपोज दैट मुझे एरे के अंदर ओनली
थ्री एलिमेंट स्टोर कराना, देन एन का वैल्यू एंटर करोगे थ्री। अगर एरे के अंदर आपको फाइव एलिमेंट स्टोर करना, देन एन का वैल्यू एंटर करोगे जस्ट फाइव। तो इस केस में जस्ट स्मॉल डायग्राम क्रिएट करने के रिस्पेक्ट में इसमें एन का साइज प्रोवाइड कर रहा हूँ थ्री, जस्ट प्रोसेस को समझने के लिए। क्लियर? इस केस में एक एरे क्रिएट होगा, इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स मैनेज होंगे, जस्ट थ्री। प्लस इस एरे का कोई लॉजिकल नेम नहीं होगा, एरे एक्सेस होगा यूजिंग पॉइंटर्स के लिए। डिक्लेरेशन किसके लिए प्रोवाइड किया? पॉइंटर वेरिएबल्स। तो करंटली एन का वैल्यू क्या एंटर किया? थ्री। तो एन क्या? थ्री मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, तो उस केस में एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स क्रिएट होंगे? थ्री एलिमेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट केस, ठीक है ना, एलोकेशन किसके थ्रू होगा? यूजिंग मेलॉक। इस केस में नेक्स्ट टाइम कॉल किया होगा मेलॉक फंक्शन, तो मेलॉक के अंदर एन के प्लेस पर क्या पास होगा? करंट वैल्यू ऑफ एन विच इज थ्री। अगर आप 16 बिट सी कंपाइलर यूज कर रहे हैं, इंटीजर का साइज क्या है इस केस में? जस्ट टू। जस्ट मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ रिगार्डिंग 16 बिट सी कंपाइलर। 16 बिट सी कंपाइलर में साइज ऑफ ऑपरेटर से इंटीजर का साइज क्या रेंज होगा? टू। थ्री मल्टीप्लाई बाई टू, मल्टीप्लीकेशन इज सिक्स। क्लियर? फाइनली मेलॉक में क्या पास हो रहा है? सिक्स। आप डायरेक्टली गिवन एक्सप्रेशन पास करते हैं, सिक्स पास करते हैं डायरेक्टली, दोनों का मीनिंग सेम थे। जरूरी नहीं कि एवरी टाइम आप एन मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ एंटी यूज करोगे। अगर आप ऑलरेडी श्योर हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, देन साइज डायरेक्टली भी पास करना पॉसिबल है। क्लियर? नेक्स्ट वन, फाइनली मेलॉक में क्या पास हो रहा है? सिक्स। तो मेलॉक फंक्शन क्या करेगा? मेलॉक इज अ रिक्वेस्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इमीडिएटली इंटरेक्ट किस हैश टेबल से, और हैश टेबल के एग्जिस्टिंग एड्रेस के प्रॉपर्टीज के बेसिस पर जस्ट ये सर्च क्या करेगा? फ्री स्पेस। देन ये फ्री स्पेस किस टाइप से सर्च करते हैं? सारे प्रोसेस में बिगिनिंग सेशन में एक्सप्लेन कर सकूँ, ड्यूरिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इन दैट केस, तो इस केस में फाइनली सपोज दैट इस फ्री स्पेस किस प्लेस ऑनवर्ड्स फाउंड हो रहा है? जस्ट 100। और 100 से कितने बाइट्स एलोकेट होंगे? सिक्स बाइट्स। वन मीन मैंने सारे सारे ब्लॉक वन वन बाइट्स के रिप्रेजेंट किया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। लॉजिकली ये सिक्स बाइट्स का ब्लॉक कंसिडर होगा एज अ रिजर्व्ड ब्लॉक्स फॉर दैट प्रोग्राम। इस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा पर्टिकुलर ब्लॉक रिजर्व्ड है और अनरिजर्व्ड है? जस्ट इस केस में इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा बेस एड्रेस। बेस एड्रेस क्या? 100। इस पर्टिकुलर एलोकेशन के रिस्पेक्ट में हैश टेबल के अंदर न्यू एंट्री इंसर्ट होगा, न्यू एंट्री अबाउट एलोकेटेड ब्लॉक। एलोकेटेड ब्लॉक का बेस एड्रेस 100 है, इंसर्ट का हो जाए इनसाइड हैश टेबल। प्लस इस ब्लॉक का साइज क्या? जस्ट 6। तो ब्लॉक साइज में क्या स्टोर होगा? जस्ट 6 बाइट। जब तक ये एंट्री हैश टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तब तक ये लॉजिकल स्पेस कंसिडर होगा एज अ रिजर्व। क्लियर? मीन्स इसको नेम दे सकते हो एज अ बफर। बफर मीन्स जस्ट ग्रुप ऑफ बाइट्स। इस बफर के फॉर्म में, ब्लॉक के फॉर्म में जस्ट एलोकेशन परफॉर्म हुआ। प्लस मेलॉक के केस में मैंने आपको बताया था सभी प्लेसेस पर डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होगा? ऑलवेज गार्बेज। अगर आप डायरेक्ट इस ब्लॉक के वैल्यू डिस्प्ले कराओगे, आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? जस्ट गार्बेज वैल्यू। फर्स्ट केस। सेकेंड केस, एलोकेशन के जस्ट बाद मेलॉक फंक्शन रिटर्न क्या करेगा? बेस एड्रेस ऑफ एलोकेटेड ब्लॉक। एलोकेटेड ब्लॉक का बेस एड्रेस क्या? 100। एस टी एल के अंदर भी एंट्री किसके लिए? 100 के लिए। तो इस प्लेस पर रिटर्न क्या होगा? जस्ट 100। 100 जस्ट मेलॉक फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या था? वॉइड स्टार। और असाइनमेंट किस में हो रहा है? जस्ट पी में। पी का टाइप क्या? इंट स्टार। तो इस मीन से डायरेक्टली असाइनमेंट पॉसिबल नहीं। इस केस में कुछ कंपाइलर रीज क्या करें? सम कंपाइल टाइम एरर और सम वार्निंग मैसेज। तो इस केस में इसे वार्निंग या कंपाइल टाइम एरर्स को रिमूव करने के लिए जस्ट यूज क्या करोगे? टाइप कास्टिंग इंटू रिक्वायर्ड पॉइंटर। मीन पॉइंटर का टाइप इंट स्टार, तो टाइप कास्टिंग किसमें करा लेंगे? इंट स्टार। मीन फाइनली 100 एड्रेस कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? इंटीजर पॉइंटर्स में। जैसे ये टाइप कास्टिंग परफॉर्म हुआ, तो पर्टिकुलर एड्रेस ही इंटीजर टाइप का कंसिडर हुआ, आसानी किसमें हो जाएगा? पी में। तो पी के अंदर क्या स्टोर होगा? जस्ट 100। क्लियर? पी पॉइंटर वेरिएबल है, पी किसको पॉइंट करेगा? जस्ट जैसे एलोकेटेड ब्लॉक। अब क्वेश्चन है कि पी से कंप्लीट ब्लॉक को पॉइंट करेगा और ओनली रिजर्व्ड बाइट, सॉरी ओनली बिगिनिंग टू बाइट्स। पी इंटीजर पॉइंटर है, पी के पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि इस ब्लॉक का साइज क्या है। इसे इंटीजर पॉइंटर के अकॉर्डिंग इस पॉइंटर कितने बाइट्स पॉइंट कर सकता है? ओनली 2 बाइट्स। तो पॉइंटर के रिस्पेक्ट में एक और लोकेशन क्रिएट होता है स्टार पी। तो इस केस में स्टार पी किस कितने बाइट्स के नेम होगा? जस्ट 2 बाइट का, क्योंकि पॉइंटर का टाइप क्या? इंटीजर पॉइंटर। मीन्स ये प्रॉपर्टी में पॉइंटर्स के केस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। वन मोर थिंग्स, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, अगर किसी ब्लॉक का एड्रेस 100 है, तो उसका एक और नेम क्या कंसिडर कर सकते हो? स्टार 100। सेम एज स्टार एंड लाइक दैट। तो इस केस में जस्ट पॉइंटर किस टाइप का? इंटीजर पॉइंटर। तो इंटीजर पॉइंटर के अकॉर्डिंग जब ये पॉइंटर इस ब्लॉक को एक्सेस करेगा, तो बाइट्स कितने कितने बाइट्स के ग्रुप में एक्सेस होंगे? जस्ट 2 बाइट्स के ग्रुप में। तो लॉजिकली मैं इन बाइट्स को डिवाइड करूँ इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक ऑफ 2 बाइट्स, ब्लॉक ऑफ 2 बाइट्स, ब्लॉक ऑफ 2 बाइट्स। 2 बाइट्स के ब्लॉक्स की केस में बात करें, तो फर्स्ट 2 बाइट्स का नेम क्या है? इसका एड्रेस क्या है? 100। तो उसका नेम क्या हो जाएगा? जस्ट स्टार 100। क्लियर? प्लस पी के पास भी क्या स्टोर है? 100। पी भी 2 बाइट्स को पॉइंट करे, तो बिगिनिंग 2 बाइट्स का अदर नेम क्या हो जाएगा? स्टार पी करेंटली। क्लियर? देन इनको 2 बाइट्स के ब्लॉक्स में डिवाइड कर रहा हूँ लाइक दैट लॉजिकली।
सिमिलरली इस ब्लॉक का बेस एड्रेस क्या है 102, लेकिन टोटल बाइट्स कितनी है 2, इसका बेस एड्रेस क्या हो जाएगा *102, अगेन 2 बाइट का ब्लॉक है, प्लस डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है जस्ट गार्बेज। इस ब्लॉक का बेस एड्रेस क्या है 104, तो इसको नेम दे सकते हैं *104, क्लियर। नेक्स्ट वन, पॉइंटर के अकॉर्डिंग इसका अदर नेम क्या जाएगा P of 0, P of 1, जस्ट एरे रिप्रेजेंट। सेम ब्लॉक को आप एरे के फॉर्म में भी एक्सेस कर सकते हो, क्लियर, क्योंकि इसका मैंने कन्वर्जन ऑलरेडी बताया था। मीन्स P of 0 किसके इक्वलेंट, इक्वलेंट टू *100, P1 किसके इक्वलेंट, इक्वलेंट टू *102, सेम है P of 2 किसके इक्वलेंट, इक्वलेंट टू *104। जस्ट इस रिलेशन को मैं प्रूव कर रहा हूँ, इस प्रोग्राम को ऑलरेडी कॉपी कर लेना। इस फर्स्ट वन P of 0, तो P of 0 किसके इक्वलेंट होना चाहिए *100, चेक इट। जब A of i को आप राइट डाउन करते हो, ऑलरेडी डिस्कस किया था, A of i का पॉइंटर कन्वर्जन क्या होता है *A+i, तो ए के प्लेस पर जस्ट पी है, बाकी मीनिंग सेम है। मीन्स इस प्लेस पर क्या है *P+i, i का वैल्यू क्या है जस्ट 0। नेक्स्ट वन, P में क्या स्टोर है 100, 100 प्लस 0 बिकम्स 100, तो फाइनल स्पेस पर क्या आएगा *100, क्लियर। तो P of 0 एग्जैक्टली किसके सिमिलर है *100, क्लियर, और *P, इन तीनों के मीनिंग कैसे हैं सेम। नेक्स्ट वन P of 1 डायग्राम में मैंने किस लोकेशन में नेम दिया जिसका नेम *102 है, चेक इट अगेन, *P+P में क्या स्टोर है 100+1, i का वैल्यू क्या 1, प्लस p इंटीरियर पॉइंटर, इसलिए इंक्रीमेंट कितने से होगा 2 से, तो स्पेस पर क्या *102, 100+1 इज *102, तो चेक कर सकते हो P of 1 किसका किसके सिमिलर *102, इसलिए लोकेशन *102 को मैंने नेम क्या प्रोवाइड किया P of 1। सिमिलरली P of 2 मीन्स P of 2 किसके सिमिलर, सिमिलर टू *104, P मीन्स इस प्लेस पर P के प्लेस पर क्या आएगा 100 और i के प्लेस पर क्या 2, इंक्रीमेंट कितने से होगा *2, तो फाइनली 100 में अगर 1 से मल्टीप्लाई किया था तो इंक्रीमेंट कितने से हुआ था 2 से, सेवन 100 में 2 से इंक्रीमेंट कराओ, इंटीजर पॉइंट 2 से इंक्रीमेंट कराओ, तो इंक्रीमेंट कितने से होगा 4 से, क्या आएगा स्पेस पर *104। फाइनली P of 2 किसके सिमिलर है *104, इसलिए मैंने नेम मेंशन किया। मीन्स फाइनली पॉइंटर्स के थ्रू अगर आपने मीन्स मैलॉक के थ्रू कोई ब्लॉक एलोकेट कराया, एलोकेशन के जस्ट बाद अगर इस ब्लॉक का एड्रेस किसी पॉइंटर में असाइन किया था, इस पॉइंटर की हेल्प से सेम ब्लॉक को लॉजिकली एक्सेस करना पॉसिबल लाइक एरे। लेकिन इस केस में मीन्स पी के रिस्पेक्ट में आपको ब्लॉक कैसा दिख रहा है, लुक्स लाइक एरे, प्लस एरे कैसा स्टैटिक और डायनेमिक, क्योंकि इसका साइज रन टाइम पर डिसाइड करना पॉसिबल है, प्लस रन टाइम पर रियल ऑफ फंक्शन के थ्रू चेंज करना भी पॉसिबल है। इसलिए इस करंट केस में एरे को आप कंप्लीटली नेम दोगे एज अ डायनेमिक एरे, सिंटेक्टिकली कोई एरे क्रिएट नहीं हो, लेकिन लॉजिकली ये पर्टिकुलर एलोकेशन कैसा है, लुक्स लाइक एरे, क्योंकि सारे के सारे लोकेशन एरे एक्सप्रेशन को यूज करके फॉलो करना पॉसिबल है। नेक्स्ट वन, मैलॉक के केस में रिटर्न क्या हुआ 100, पी में कैश स्टोर 100, इसके साथ इफ कंडीशन के थ्रू टेस्ट किया, मैंने आपको बताया था अगर मैलॉक के थ्रू करंटली अगर कोई मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म नहीं हुआ, देन उसके साथ मैलॉक फंक्शन रिटर्न क्या करता है नल, अदरवाइज बेस एड्रेस ऑफ एलोकेटेड ब्लॉक, तो इसके में सक्सेसफुली एलोकेशन परफॉर्म हुआ, पी का वैल्यू क्या 100, तो इफ कंडीशन टेस्ट होगा 100 इक्वल नल, नल का मीनिंग क्या रहता है जस्ट 0, कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स रन कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ सेंड होगा प्रिंट एप में डिस्प्ले हो जाए। मीन्स अभी सिंपली मैंने एरे का साइज रीड किया था, मीन्स एक्चुअल मैक्सिमम साइज है नॉट अ लॉजिकल साइज, यानी क्या इसके साथ मैक्सिमम साइज, मीन्स लॉजिकली एरे के अंदर मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स मैंने जाऊँगा ओनली 3 एलिमेंट्स, क्योंकि एन का वैल्यू क्या 3। नेक्स्ट वन, प्रिंट एफ से क्या डिस्प्ले हो जाएगा एंटर परसेंट डी आइटम, तो एन के प्लेस पर एन का वैल्यू पास होगा 3 और परसेंट डी रिप्लेस किस हो जाएगा जस्ट वैल्यू ऑफ एन, तो डिस्प्ले क्या एंटर 3 आइटम। नेक्स्ट मैसेज क्या प्रिंट होगा इसके इसमें जस्ट एंटर, इस प्रीवियस केस में एंटर क्या किया था जस्ट वैल्यू ऑफ एन इज 3, नेक्स्ट टाइम एंटर 3 आइटम्स, मीन्स जस्ट मैंने स्मॉल डायग्राम क्रिएट करने के रिस्पेक्ट में एरे का साइज 3 लिया, आप एरे के रिस्पेक्ट में कोई भी साइज पास कर सकते हो, प्लस अगर आप इस प्रोग्राम को 10 टाइम एग्जीक्यूट करते हैं 10 डिफरेंट टाइम डिफरेंट साइज पास करना पॉसिबल है। नेक्स्ट टाइम फाइनली अगर एन का वैल्यू 3 है तो लूप एन के अंदर एन के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा 3, तो लूप लॉजिकली कितनी बार चलेगा 3 टाइम्स, अगर i का वैल्यू 0 हुआ देन कंडीशन 2, i का वैल्यू 1 हुआ तभी भी कंडीशन 2, i का वैल्यू 2 हुआ तभी भी कंडीशन कैसा 2, क्योंकि तीनों ही वैल्यू 3 से छोटे हैं, जैसे ही i का वैल्यू 3 हो जाएगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ट्रू किस केस में ओनली बिगनिंग 3 केस में, तो यहाँ मैं आपको लूप का एग्जीक्यूशन 1x1 नहीं बताऊंगा, सिंपली इस केस में फर्स्ट टाइम क्या पास हो रहा है i का वैल्यू 0, तो एड्रेस किसका पास होगा P of 0 का, तो जो भी वैल्यू आप एंटर करोगे सपोज दैट मैंने वैल्यू एंटर की 10, 20, 30, तो फर्स्ट वैल्यू किस प्लेस पर असाइन हो जाएगा एड्रेस ऑफ P of 0 मीन्स दैट प्लेस इसका एड्रेस क्या 100, तो 100 प्लेस पर स्टोर क्या हो जाएगा जस्ट 10। सेकंड केस में आई का वैल्यू सेकंड टाइम क्या पास होगा 1,
मीन्स इसका मीनिंग क्या, वो एड्रेस ऑफ पी ऑफ वन, जिस ब्लॉक का नेम पी ऑफ वन है उसका एड्रेस क्या 102। तो इनडायरेक्टली स्कैनफ में क्या पास हुआ, सेकेंड टाइम वन, फर्स्ट टाइम क्या पास हुआ 100, सेकेंड टाइम 102। 100 लोकेशन की केस में एंटर क्या हुआ 10, 10 ऑलरेडी रीड हो चुका है, नेक्स्ट टाइम क्या रीड हुआ 20, यानी 20 किस प्लेस पर स्टोर हो जाएगा, जस्ट नेक्स्ट गिवन एड्रेस 102 वैल्यू इज 20। सेम एज नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो स्पेस पर पास 2 लेस देन 3 कंडीशन 2, पी ऑफ 2 का एड्रेस क्या है जस्ट 104, तो स्पेस पर पास क्या हो नेक्स्ट टाइम 104, और 104 के केस में जस्ट ऑलरेडी बफर में अवेलेबल डेटा क्या 30 रीड होने के बाद आसानी किस में जाएगा बेस एड्रेस 104। क्लियर, नेक्स्ट टाइम आई में इंक्रीमेंट हुआ तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट 3, 3 लेस देन 3 कंडीशन बिकम फॉल्स, क्योंकि इस केस में जस्ट एलिमेंट्स कितने रीड हो रहे थे, एन का वैल्यू 3 है तो एरे के अंदर एलिमेंट्स भी कितने 3, तो एलिमेंट्स भी कितने वैल्यूज भी कितने एलिमेंट्स की रीड किए जस्ट 3 एलिमेंट्स। नेक्स्ट टाइम जस्ट जो भी एलिमेंट एंटर किए हैं उनको लोकेशन को वेरीफाई करने के लिए जस्ट सारे के सारे आइटम डिस्प्ले कराएं, तो उससे पहले मैसेज प्रिंट हो जाएगा डिस्प्ले आइटम, इस जस्ट एंटर्ड आइटम को चेक करने के लिए, अगेन यूज कर लिया डिस्प्ले आइटम। ऑलरेडी आपको याद होगा मीन्स इन केस ऑफ एरे, एरे के एलिमेंट को भी डिस्प्ले कराने के लिए यूज क्या होता था, लूप फ्रॉम 0 to n प्लस डिस्प्ले कैसे कराते थे लाइक दैट, ओनली पॉइंटर नेम के प्लेस पर रिप्लेस क्या होता था जस्ट एरे नेम, एरे नेम से भी एरे का बेस एड्रेस रिप्रेजेंट हो रहा है, पॉइंटर से भी रिप्रेजेंट हो रहा है ऑल्सो बेस एड्रेस, क्योंकि पी के अंदर भी क्या जस्ट 100। तो फर्स्ट टाइम क्या पास होगा प्रिंट एफ में P of 0 में करेंटली वैल्यू क्या स्टोर है, जस्ट आप P of 0 को इवेल्युएट करो तो उसका मीनिंग किस कैलकुलेंट को स्टार 100 और स्टार 100 में क्या स्टोर है 10, तो फर्स्ट टाइम क्या डिस्प्ले हो जाएगा जस्ट 10। नेक्स्ट केस सेकंड टाइम क्या पास होगा P of 1 के केस में जस्ट P of 1 में ऑलरेडी क्या स्टोर है 20, P of 1 को अगर आप एक्सप्लोर करोगे एक्सपेंड करोगे तो उसका इक्वलेंट मीनिंग क्या स्टार 102, स्टार 102 में क्या 20। सेम है नेक्स्ट टाइम पी ऑफ 2 में क्या 30, जैसे ही आई का वैल्यू 3 हो जाएगा 3 लेस देन 3 कंडीशन कम फॉल्स, फाइनल इस केस में डिस्प्ले किया जाएगा वैल्यू ऑफ एंटर्ड आइटम, मीन्स इस केस में इस प्रोग्राम का आउटपुट इंपोर्टेंट केस नहीं था ओनली प्रोसेस। क्लियर, फाइनली मीन्स सबसे पहले आपने एरे के हमें एरे के लिए एलोकेशन परफॉर्म करा यूजिंग मैलॉक फंक्शन मीन्स डायनेमिकली, देन इस प्लेस के लिए वैल्यू रीड करा वैल्यूज को जस्ट डिस्प्ले कराया, मीन्स इसका मतलब क्या जो भी डेटा आपने एंटर किया उस डेटा को परफेक्टली आपने प्रोसेस किया है और एक्सेस किया, अभी तो कोई लॉजिक्स रिक्वायर्ड नहीं थे। अगर आप इस डेटा के लिए कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते लाइक एरे, जैसे एरे के केस में लॉजिक ऑपरेशंस क्या थे डिस्प्ले सम ऑफ ऑल एरे एलिमेंट लाइक दैट, तो सिमिलर टाइप के लॉजिक अप्लाई करने का मीन जो प्रोग्राम आपने एरे के लिए क्रिएट किए थे वो सारे प्रोग्राम इस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट करना पॉसिबल, ओनली चेंजेस क्या हुआ मीन्स स्टार्टिंग के ब्लॉक मीन से पर्टिकुलर स्टेटमेंट चेंज होगा, बाकी सारे के सारे लॉजिक कैसे होंगे सेम एज एरे, ओनली एरे नेम के प्लेस पर क्या आएगा पॉइंटर नेम। वन मोर थिंग्स, फाइनली इस लोकेशन को आप यूज कर चुके हो, रिक्वायर्ड क्या हुआ डी एलोकेशन, तो डी एलोकेशन के रिस्पेक्ट में नेक्स्ट टाइम कॉल क्या हुआ जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा कंट्रोल आउटसाइड लूप जाएगा पास क्या हो रहा फ्री पी, पी में 100 स्टोर तो फ्री फंक्शन में पास क्या हुआ 100, तो फ्री फंक्शन में जस्ट क्या है अगेन रिक्वेस्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लीज डी एलोकेट दिस मेमोरी ब्लॉक, जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिक्वेस्ट सेंड हुआ तो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च किया करें हैश टेबल, हैश टेबल के अंदर जो भी आपने एड्रेस पास किया है ये एड्रेस जैसे ही जैसे एंट्री के साथ मैच होगा इमीडिएटली हैश टेबल से पर्टिकुलर एंट्री रिमूव हो जाएगा, जैसे ही एंट्री हैश टेबल से रिमूव होगा तो करेंटली सेम मेमोरी ब्लॉक कंसिडर क्या हुआ एज अ रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड, एज अ अनरिजर्व्ड मेमोरी ब्लॉक, नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर किसी अदर पर्पज से सेम ब्लॉक फिर से एलोकेट करना पॉसिबल, लेकिन स्पेशली याद रखना अभी भी पॉइंटर के अंदर क्या स्टोर है 100, लेकिन पॉइंटर अब करेंटली फ्री फंक्शन के कॉल होने के बाद रिजर्व्ड प्लेस को पॉइंट कर रहा है अनरिजर्व्ड प्लेस जस्ट अनरिजर्व्ड प्लेस, नाउ दिस पॉइंटर बिकम्स डैंगलिंग। क्लियर, मीन्स लॉजिकली अगर आप चाहते हो आपका प्रोग्राम लॉजिकली परफेक्ट बिहेवियर जनरेट कर इस केस में फ्री फंक्शन के बाद एवरी टाइम जिस पॉइंटर के पास इस ब्लॉक का एड्रेस था उस पॉइंटर को इनिशियलाइज किससे करना चाहिए जस्ट नल, अगर पी में आपने नल असाइन कर दिया एंड पी में क्या हुआ जस्ट नल, नल मीन्स जीरो, मीन्स ये किसी भी लोकेशन को पॉइंट नहीं करेगा, नल और अनरिजर्व्ड लोकेशन को पॉइंट करेगा, अगर ये लोकेशन पॉइंट ही नहीं हो रहा तो इस केस में पी ऑफ जीरो है पी ऑफ वन इस टाइप के कोई भी लोकेशन नहीं, मीन्स लॉजिकली ब्लॉक अब आपके लिए एक्सेस करना भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि ब्लॉक तभी एक्सेस कर सकते जब आपके पास इस ब्लॉक का एड्रेस होगा, जब एड्रेस ही नहीं देना इसको एक्सेस करना पॉसिबल क्या नहीं, दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस अबाउट वन डायमेंशनल एरे और क्रिएटिंग वन डी एरे यूजिंग मैलॉक फंक्शन। नेक्स्ट सेशन में जस्ट मैं डिस्कस करूंगा वर्किंग ऑफ कैलॉक फंक्शंस।